हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में जो आपके 2018 में एसएससी का जो सीएचएसएल और सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने जा रहा है, उसमें जो भी टॉपिक आने का, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक कह सकता हूँ मैं, जिनके आने का चांस रहेगा, तो मैंने पिछले वीडियो जो कि करंट टॉपिक के ऊपर नहीं था, आतंकवाद और भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किसी करंट टॉपिक के ऊपर होगा। तो ये जो किसान, भारतीय किसान है, मेरे भारतीय किसान पे टॉपिक पे जो ऐसे दे रहा हूँ मैं इस वीडियो में, उसका रीज़न ये है कि अभी महाराष्ट्र में हाल ही में मार्च में जो किसान आंदोलन, किसान सड़कों पर उतरा था, लगभग 30,000 किसान सड़कों पर अपनी मांग मंगवाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार, जो कि देवेंद्र फडणवीस, उसको मतलब बताया था अपनी मांगों के बारे में और अपनी मांगे मंगवाई थी। तो एक तरह से अपना किसान का जो अभी मुद्दा है वो भी सुर्खियों में चल रहा है न्यूज में देखो तो आप, क्योंकि किसान की स्थिति बहुत ही मतलब लाचार, दयनीय स्थिति होती जा रही है। तो इस वजह से इसके ऊपर मैंने एक ऐसे बनाया है, और उस ऐसे के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज भी बताऊंगा, उस एक्स्ट्रा चीज को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको जब भी आप इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, चाहे वो लेटर हो या एप्लीकेशन लेटर हो या ऐसे हो, कोई भी दे सकता है एसएससी करंट टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर आप बेहतर तरीके से इफेक्टिव लैंग्वेज, किसान के जो किसान वर्ड आते हैं आपके माइंड में, क्या क्या वर्ड आने चाहिए, क्या क्या सेंटेंस आने चाहिए, वो डिटेल में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी स्टार्ट टुडेस दिस ऐसे, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नॉलेज विद नामदेव को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि 2018 में जो भी एसएससी का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होना चाह रहा है, उसमें करंट या विदाउट करंट, जो करंट नहीं और मतलब आने का चांस रहेगा, और करंट टॉपिक दोनों के ऊपर मैं हिंदी में जो ऐसे होगा इसमें अपलोड करता रहूँगा, आपको हेल्प करेगा ये सारे वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको इस ये कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहे, और उसके साथ एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो के जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो भी आपको सीधा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब आपके सामने जो ये लेटर दिख रहा है, उसमें ये यहाँ से लेकर ये फर्स्ट पेपर है अपना, और सेकेंड वाला ये है, ठीक है। तो एक बार जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट होता है, ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे वाला पार्ट होता है मेन बॉडी पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन जो भी टॉपिक दिया जाता है, जैसा कि इसमें दिया है भारतीय किसान, तो भारतीय किसान के बारे में थोड़ा बहुत मतलब जो मेन लाइन है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखनी होती है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है इसमें, ओनली आपको हिंट देना है कि ये किसके बारे में है। उसके बाद आपको अगर इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो आ जाओ आप मेन बॉडी पार्ट में, ये नीचे वाला होगा मेन बॉडी पार्ट। इसमें आपको जो ये टॉपिक दिया उसके बारे में मतलब उस जो भी ये जो इंट्रोडक्शन में लिखा, एक तो सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करो, उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस, उसके कमियां, उसके बाद उसके सुधार के लिए जो भी है वो आपको मेन बॉडी पार्ट में लिखना होता है, ठीक है। और ये मेन बॉडी पार्ट अपना खत्म होता है, सॉरी, या तक। और ये वाला होता है सबसे लास्ट वाला कॉन्क्लूजन पार्ट या निष्कर्ष पार्ट, इसको बोलते हैं निष्कर्ष। आपके बारे में, आप इस चीज़ के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हो, सरकार इसके बारे में क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से वो जो सुझाव होता है वो अपन इसके सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करता हूँ, सारे सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जब आप इस चीज़ को ध्यान से सुनोगे तो आपके माइंड में ये रहेंगे, और आपके माइंड में सेट हो गए तो आपको जब एक घंटे का एग्जाम में 60 मिनट का जो होगा पेपर आपके, तो ये सारे वर्ड आपके माइंड के अंदर आएंगे। तो एक एक चीज, एक एक लाइन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ। इसमें भारतीय किसान के बारे में सबसे पहले मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, सबसे पहले जो पौराणिक है अपना इतिहास के बारे में, किसानों की क्या स्थिति थी और अब लेकर उसको किसान की क्या स्थिति है, वो सारा मैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में चंद लाइनों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो भारतीय जन पौराणिक काल से ही किसान को अन्न देवता और धरती के भगवान माना जाता आ रहा है, ठीक है। अन्न देवता और धरती के भगवान माना जाता आ रहा है। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है। वह जीवन भर मिट्टी से सोना अर्थात फसल उत्पन्न करने की कठिन तपस्या करता है, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके एक ये पूरा इस चीज को ध्यान से समझ लिया, भारतीय पौराणिक काल से ही किसानों को अन्न देवता तथा धरती के भगवान, यहाँ पर कॉमा लगा देना, मैंने लगाया नहीं, हाँ, धरती के भगवान माना जाता आ रहा है, ठीक है।
तो जो अपना इतिहास रहा है उसमें जो अपने ऋषि मुनियों की धरा रही है अपने भारतीय संस्कृति, तो उसमें किसानों को अन्न देवता, जो अन्न उपज करते, एक तो अन्न देवता कहा जाता है, और धरती के देवता एक तो होता है जो स्वर्ग के देवता, और अपनी धरती के देवता माना जाता है किसान को, क्योंकि किसानों का काम भी कैसा होता है, देवलोक के जैसा काम होता है, वो दूसरों के पेट पालता है, मतलब एक तरह से उनके अन्न की आपूर्ति करता है, भले आदमी के पास पैसा कितना भी हो लेकिन खाने के लिए अन्न चाहिए होगा, और वो अन्न किसान से ही खरीदना होगा, क्योंकि वो जो मेहनत होती है वो किसान ही कर पाता है, तो धरती के भगवान, इसलिए उसको संज्ञा दी गई है, भारतीय पौराणिक काल से ये वर्ड सारे लिए हुए हैं। ठीक है, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है, जीवन भर मिट्टी से सोना अर्थात फसल उत्पन्न करने की कठिन तपस्या करता है, सिंपल लैंग्वेज है, दो तीन बार इस सेंटेंस को लिखोगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तपती धूप कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी इस साधना को तोड़ने में असफल रहती है, ऐसी कठिन मेहनत मजदूरी करके भी दुखी है, ये किसान के बारे में बता रहा है, जैसे तपती धूप कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश इस साधना को तोड़ने में असफल रहती है, ऐसी कठिन मेहनत मजदूरी करके भी वह दुखी है, तो एक तरह से अपना किसान दुखी है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको भरपाई आपूर्ति उसको जो हर्जाना है वो भी नहीं मिल पाता। ठीक है, और ये वर्ड देख रहे हो आप, तपती धूप कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश, ये मात्र इस ऐसे के लिए ही नहीं रहेगा, इस सेंटेंस ये वर्ड्स है जो आप किसी दूसरे सेंटेंस में भी, मतलब दूसरे जो टॉपिक ऐसे आएगा उसमें भी आप यूज करो तो इसका अच्छा इफेक्ट जाएगा। एक तो आप सिंपल सा लिखो किसान धूप और ठंड और बारिश में भी मेहनत करता है, ये तो होगा सिंपल सा लैंग्वेज, लेकिन इसी के साथ आप धूप के साथ ऐड करो तपती धूप, ठंड के साथ ऐड करो कड़ाके की ठंड, और बारिश के साथ ऐड करो मूसलाधार बारिश, तो ये वर्ड में थोड़ा वजन आ जाता है, पढ़ने वाले के जो सीधा दिल के अंदर ये सारे वर्ड गूंज उड़ते हैं, तो इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा, तपती धूप कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश भी साधना को तोड़ने में असफल रहती है, ऐसी कठिन मजदूरी कर भी वो दुखी है। हाल ही में, अब देखो ये चीज मैंने बताई, एक तो इतिहास के बारे में बता दिया, उसके बाद जो प्रोजेक्ट में किसानों की स्थिति क्या है, कितनी मेहनत कर रहा है उसके बारे में बताया, अब ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने चंद लाइनों में मतलब एक तरीके से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। इसमें अब यहाँ से ले रहा हूँ मैं करंट, जो अभी मुद्दा चला था कि मार्च महीने में महाराष्ट्र में जो 30,000 किसान सड़कों पर उतरे थे उसके बारे में बताया है। हाल ही में महाराष्ट्र में अपनी मांग मंगवाने के लिए इकट्ठा हुए करीब 30,000 किसानों का जमावड़ा पूरे भारतीय किसान की दयनीय स्थिति बयां कर रहा है। इनकी मुख्य मांगे फसलों का वाजिब दाम, कर्ज माफी और बिजली बिल के भुगतान की राशि में छूट रही है। जो किसान अभी महाराष्ट्र में इकट्ठा हुए थे 30,000, उनके तीन सबसे ज्यादा जो मांग थी ये वो मांगे थी, और ये मांगे आप याद रख के लिखिएगा, अगर वो करंट टॉपिक पे आता है तो ये सेंटेंस तो आपको यूज करना ही होगा, अगर करंट टॉपिक पे आता है कि आप भारतीय वर्तमान किसान की स्थिति, तो इस वर्तमान में ये आपको जो न्यूज में सुर्खियों में रही थी ये डालनी होगी, तो ये तो आप न्यूज याद ही कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मेन बॉडी पार्ट में भारतीय किसान एक सादा जीवन जीता है, और उठते ही पशुधन की सेवा, इसके पश्चात अपनी कर्म भूमि खेती की और उसके पैर खुद ब खुद उठने लगते हैं, उसके लगभग सभी दैनिक क्रियाएं, उसके स्नान खाना पीना यहाँ तक कि विश्राम भी खेतों में ही रहता है, लेकिन इस साधारण एवं वह कठिन मुश्किलों भरे जीवन में भी खुश रहने का उसका अपना एक तरीका है, वह इसी में आनंद उठा लेता है और उसकी आवश्यकता भी सीमित होती है। ठीक है, अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है यहाँ तक तो हो गया, अपन जो इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा जो मैंने बता दिया, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट में मैंने किसान के जीवन के बारे में बताया है। स्टार्टिंग में आप किसान की मतलब किसान की जो दयनीय स्थिति है वो बयां मत करना, आपकी लैंग्वेज है जो पॉजिटिव लैंग्वेज और नेगेटिव लैंग्वेज दोनों उसमें इंक्लूड करनी होगी, आपका पक्ष भी रखना पड़ेगा और जो विपक्ष का जो वितर्क है वो भी रखना पड़ेगा, खाली आप आलोचना कर लोगे मतलब सरकार के तो नहीं चलेगा, आपको किसानों की एक अच्छी स्थिति भी बतानी है और उसकी बुरी स्थिति भी बतानी है, क्योंकि आपके जो ऐसे होता है एसएससी में सीधा सीधा 5 नंबर मार्किंग आपके डिपेंड करेंगे, बैलेंस्ड लैंग्वेज, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बैलेंस्ड लैंग्वेज के हिसाब से आपके मार्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपने खाली खाली आलोचना कर दी और आपने कुछ उसकी पॉजिटिविटी या कोई प्रॉफिट नहीं बताया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको उसकी आलोचना भी करनी है तो किसी के पक्ष में भी आपके तर्क लिखना है, दोनों पक्ष होने चाहिए आपको।
तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, भारतीय किसान के बारे में थोड़ा मैंने बताया, जीवन के बारे में, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला ले रहा हूँ मैं, और ये मेरे जो मैं आपको बोल के वीडियो बनाया उसका रीजन ये है कि आपको वीडियो में थोड़ा बेहतर तरीके से, आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरा सेंटेंस सुन रहे हो, आपके माइंड के अंदर याद रहेगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। नहीं तो फटाक से फोटो खींच के भी दे सकता था आपको, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये वर्ड आपके मेमोराइज होते रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेन बॉडी पार्टी चल रहा है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन ले रहा हूँ। वह देश भर में, अब देखो यहाँ तक तो मैंने बताया कि उसकी स्थिति के बारे में, मतलब उसका जीवन कैसा होता है, अब उसके जीवन में वो क्या क्या करता है अपने, मतलब दूसरों के लिए, वो अब मैंने बताया। वह देश भर में अन्न फल फूल साग सब्जी आपूर्ति करता है, लेकिन फिर भी पारिश्रमिक के लिए दर बदर भटकता, नेक्स्ट पेज चेंज कर लेता हूँ, दर बदर भटकता सड़कों पर उतरा किसान, सड़कों पर उतरा किसान आंदोलन को मजदूर है मजबूर है, ठीक है। किसान खाद्यान्न आपूर्ति के साथ साथ भारतीय संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, किसान खाद्यान्न आपूर्ति के साथ साथ भारतीय संस्कृति सभ्यता को भी विभिन्न त्योहार और रीति रिवाज के रूप में गांवों में सहज कर रखे हुए हैं। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने किसान को ना मात्र कृषि के क्षेत्र में ही उसकी उपयोगिता नहीं बताई, मैंने उसकी उपयोगिता भारतीय संस्कृति में भी बताई है। तो आप अगर आपके जो 100 लेटर हो गए, तो आपका लेटर एक थोड़ा हटके दिखेगा और एक इफेक्टिव दिखेगा। इसमें मात्र किसान की नहीं, उसमें भारतीय संस्कृति के बारे में भी वो क्या करता है, रीति रिवाजों को होता है ना, मतलब एक तरह से जो किसान होता है उसमें सबसे ज्यादा त्योहार मनाता है, सबसे ज्यादा रीति रिवाज होते हैं पौराणिक काल से, वो किसानों में होता है। शहरों में देखोगे तो आपको मतलब ज्यादा त्योहार वगैरह रीति रिवाज इतना रंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोहड़ी पर्व ये सारा गांव में देखने को मिलता है। होली है जो 7 दिन पहले स्टार्ट होती है, जबकि शहरों में मात्र 1 दिन या 2 दिन का इसका रंग देखने को मिलता है। तो गांवों में थोड़ा रीति रिवाज के बारे में ज्यादा होती है, तो वो चीज आपको लिखना है। कृषि के साथ भारतीय संस्कृति में भी उसकी महत्वता बतानी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब ये को यहाँ तक मैंने बताया उसके मतलब महत्वता बता दी। अब उसकी दयनीय स्थिति सबसे लास्ट में मैंने दयनीय स्थिति ली है उसके बारे में, मतलब उसकी जो लाचार स्थिति है वो सबसे लास्ट में बताई है, तो आपको सबसे लास्ट में ही बताना है उसको। स्टार्टिंग में आप किसान नाम आते एकदम आक्रोश मत बता देना आपका, ठीक है, सरकार के बारे में कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब यहाँ पर लिखना अपने को, लेकिन फिर भी आज शिक्षित वर्ग व समाज सॉरी शिक्षित वर्ग समाज भी लिख देना है उसके साथ में, शिक्षित वर्ग समाज तथा सरकार इस अन्नदाता किसान का शोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अशिक्षा अंधविश्वास समाज में फैली कुरीतियां उसके साथी है, सरकार बड़े जमींदार और बिचौलिया तथा व्यापारी उसके दुश्मन है, जो कि किसान के अंतिम सांस तक उसका शोषण करते हैं। देखो इसमें मैंने बताया ये जो अशिक्षा अंधविश्वास और समाज में फैली कुरीतियां उसके साथ ही है, मतलब उसके साथ में रहती है, वो जुड़ी रहती है। अशिक्षा है तो वो किसान आते ही अशिक्षा नाम आ जाता है, तो वो एक तरह से किसान के जो साथी है जो जिंदगी भर चलती है उसमें, उसके समाज में फैली कुरीतियां अंधविश्वास ये सारे किसान में ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसके साथी बताया, उसके साथी उसके दुश्मन मैंने बताया सरकार बड़े जमींदार, जो बड़े जमींदार होते हैं किसानों को मतलब किराए पे देते हैं और ज्यादा वसूल अपनी जमीन का करते हैं किराए के रूप में, और बेचारे किसान फसलों उपज होती नहीं है और सारी जो कमी होती है वो जो किराएदार होते हैं उस जमीन के उनको देनी पड़ती है। बिचौलिया वो होते हैं जो किसानों और जो उपभोक्ता यानी कि अपन कस्टमर, अपन जो चीज खाते हैं और किसान जो उपज करते हैं उसके बाद में जो बिचौलिया आते हैं व्यापारी बिचौलिया, जो कमीशन पे दलाल होते हैं ना, वो ज्यादा वसूल कर लेते हैं। 1 रुपए में चीज खरीद के अपने को बेचते हैं 10 रुपए, यानी कि बिचौलिया को 9 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, जबकि किसान को ये मिलना चाहिए प्रॉफिट। तो ये चीज बताइए, मैंने बिचौलिया इसका शोषण करता है, ये वर्ड यूज करना ये सारे करने ही पड़ेंगे आपको, अभी से इसकी प्रैक्टिस कर दो। उसके साथ ही सरकार बड़े जमींदार सॉरी बड़े जमींदार सरकार और बिचौलिया क्या उसके दुश्मन है। उसके बाद कॉन्क्लूजन पार्ट आता है, कॉन्क्लूजन पार्ट में अब इसमें आपकी तरफ से तो कोई सुझाव, ये इस तरीके से आप अगर इफेक्टिव लैंग्वेज लिख रहे हो तो आपको नंबर मिलेंगे, और आपका ऐसे भी भले कितने भी ऐसे हो आपका ऐसे हटके दिखेगा, ठीक है। इसके इसके साथ ही फिर हाजिर होंगे किसी करंट मुद्दे के साथ में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल नॉलेज विद नामदेव फॉर योर प्रिपरेशन एंड शार्प प्रिपरेशन इन एसएससी 2018 एग्जामिनेशन। और मेरे हिंदी में बताने का रीज़न, अब पूरा वीडियो देख लिया, मेरी 1 मिनट की बात ये भी सुन लेना, इस वीडियो को हिंदी में बनाने का रीज़न ये है कि हिंदी में अगर आप मातृभाषा हिंदी में लिखोगे तो आपका लेटर का इफेक्ट कंपैरिजन टू इंग्लिश
ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपका हिंदी में इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा आप अगर हिंदी में ऐसे लिख रहे हो, क्योंकि आप मतलब एक जो फीलिंग आती है ना अंदर से, वो हिंदी में आप लिखोगे तभी आएगी, इंग्लिश में आप इतना बेटर तरीके से नहीं लिख पाओगे। आज तक अभी तक जितने भी जो टॉपर्स हुए उन्होंने हिंदी में लिखा है, जो एसएससी में डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट नंबर आए हैं सबसे ज़्यादा हिंदी में लिखे हुए लेटर ही थे उनके। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।